खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने को लेकर भाजपा आज राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान यह भी शिकायतें देखने को मिली थी कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। बीएलओ सही तरीके से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से पोलिंग सेंटर से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। निकाय के चुनाव में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, जिसको लेकर भाजपा नगर राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत सारे लोग मतदान स्थल पर गए और वहां उनका नाम नहीं था। हमारे जो कंट्रोल रूम थे लोकसभा के, हमने पांच कंट्रोल रूम हमने बनाए। प्रदेश कार्यालय पर भी हमारा कंट्रोल रूम था। हमारे पास हजारों शिकायतें इस बात की आई कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, और उसकी जब तहकीकात हम लोगों ने की तो हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई कि बीएलओ जिसका काम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का है, बीएलओ घर घर नहीं गए। और ठीक इसी प्रकार की दिक्कत वर्तमान समय जब स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इस समय भी जो सूची स्थानीय निकायों के द्वारा जारी की गई है, उस सूची में भी अधिकांश नाम गायब है।